सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भी मिला। सलाम साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग संविधान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं मैं परशुराम के घर से आता हूँ, उनके खानदान से आते हैं हम, ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, और संविधान आया जब से देश में तो हमारा ये हो गया। मतलब अजीबोगरीबो बातें ये लोग कह रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन मैं इनको एक बात समझाने के लिए आया हूँ, अगर संविधान नहीं होता ना इस भारतवर्ष में, तो आज भी हम अंग्रेज के ही गुलाम रहते, ठीक है? तो उस गुलामी से अगर कोई हमें आज़ाद कराए तो उनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। हमारे देश में तो अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे थे, किसी में औकात और किसी में दम था कि देश का संविधान लिख दे। आज जब संविधान लिखाया गया और जब आज हमारा भारत आज़ाद हो गया, तब तुम्हें आ रहा है क्या नाम बोल रहे हो कि संविधान मुर्दाबाद। और एक बात और तुम कह रहे थे, इस देश में ब्राह्मणों से बड़ा कोई है नहीं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप कह रहे थे क्या नाम है, हम लोग ब्रह्मा के बेटे हैं, तो हम लोग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेटे हैं। एक बात को ये याद रखना साहब। और दूसरी बात, जो आप ब्रह्मा ब्रह्मा चिल्ला रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ, क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण जो है वो दिमाग से पैदा हुआ है, वैश्य जो है वो सीने से पैदा हुआ है, और क्षत्रिय मेरे ख्याल से पेड़ से पैदा हुआ है, शूद्र जो है वो पैर से पैदा हुआ है। तो आइए साहब, आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपका कोई पैर छूने आता है, आपके कोई सर पे मारता है, शूद्र का पैर छूता है। लेकिन इस देश के अंदर का सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो शूद्र है, जो कि उसको पैर से, आप लोगों ने पैर तो कहा लेकिन उसी का पैर छुआ जाता है, आपका पैर नहीं। तो कैसे आप लोग बड़े हो गए? किसी भी मायने में किसी चीज में आकर आजमा लेना, को किसी मायने में हम लोग तुम लोगों से कम नहीं है। एक बात को ये याद रखना, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अकेले इस देश के अंदर संविधान भी लिखे, और करोड़ों करोड़ों दलितों को, मुजलमों को, जिनको लिखने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया, जब कुछ भी उनको अधिकार नहीं था, जब बाबा साहब ने अकेले उन लोगों को आज़ाद करा दिया, तो आज बाबा साहब के संतान बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? इस देश के अंदर ये संविधान, जो तुम संविधान की पत्तियाँ जो जला रहे हो ना, ये तुम नहीं जला रहे हो, ये सत्ता, ये तुम लोगों का सत्ता बोल रहा है। लेकिन भीम दीवानों के और बाबा साहब का बच्चे, जो चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हर किसी जगह पे सीने ठोंक के कहते हैं जय भीम, ठीक है? तो किसी मायने में तुम लोगों से हम कम नहीं है। और जो ये संविधान जलाया जा रहा है साथियों, ये हमारे पूरे भारतवर्ष की इंसल्ट की जा रही है। और जो कि मैं अगर आके कुछ बोलता हूँ यूट्यूब के सहारे, अगर कोई भी लड़का है किसी को गालियाँ कर देता है, कुछ भी देता है, तो उसके नाम पे केस हो जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर जब भारत का संविधान जलाया जाता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर केस नहीं होगा, आप लोग देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये लोग बीजेपी के गुलाम हैं, बीजेपी इनकी गुलाम है, इसीलिए इन लोगों के ऊपर केस नहीं हो सकता है। साथियों, आप लोग देखिए कि हमारे भारतवर्ष में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, आप लोग देखते जाइए। कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ी जाएगी, तो कहीं उनके संविधान को जला दिया जाएगा, तो कहीं पार्लियामेंट के अंदर जय श्री राम बोला जाएगा। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है इस भारतवर्ष की? मतलब भारत के इतिहास को ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये किसी बाप की हिम्मत नहीं है जो संविधान बदल दे और मनुस्मृति लागू करे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, एक बात को ये याद रखना। और अगर ऐसा होगा भी तो उस चीज़ को हम लोग होने नहीं देंगे। एक चंद्रशेखर आज़ाद जेल में गया है, तो ऐसे कईयों करोड़ कईयों लाख जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। वैसे तो बातें बनाने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर दलितों को पहले भी सताया जाता था और आज भी सताया जाता है। जुल्म पहले भी वो लोग सहते थे और आज भी, लेकिन पहले हम जुल्म सहकर हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जान गए हैं। इस बात को गौर से सुन लीजिएगा साहब, ठीक है? और इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो दलित है, ठीक है?
अगर दलित बड़ा नहीं होता तो दलित के संविधान के नीचे, अगर तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के नीचे रहना छोड़ दो और ये हमारा भारतवर्ष छोड़कर चले जाओ। भारत में अगर रहना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को पालन करना पड़ेगा, चाहे वो तुम हुए चाहे वो तुम्हारे बाप हुए, एक बात को ये याद रखना। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। अगर आप लोगों के दिलों में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अगर थोड़ा सा भी बसता है और बाबा साहब को अगर आप अपना मसीहा मानते हैं तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को इनकी औकात पता चले कि इनकी औकात क्या है और दलितों की औकात क्या है, बाबा साहब के बच्चों की क्या औकात है। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।